अगला है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी सॉल्यूशन में यदि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी केवल सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है तो उस प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब सॉल्यूशन एकदम डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट, और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होने चाहिए, और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल के साथ ही साथ सॉल्यूशन में ना ही डिसोसिएट होना चाहिए और ना ही एसोसिएट होना चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप के होते हैं। पहला होता है आरएलबीपी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा होता है ईबीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा होता है डीएफपी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा होता है ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि आरएलबीपी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या। आरएलबीपी The addition of non-volatile solute to a volatile solvent, non-volatile solute, the addition of non-volatile solute in a volatile solvent, decrease the escaping tendency, escaping tendency of the solvent molecule of the solvent molecule from the surface of the solution, from the surface of the solution as some of the surface area are occupied by non-volatile solute, non-volatile solute and vapor pressure of solvent decrease, vapor pressure of solvent decrease मतलब PS is lesser than PO. रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन ए वोलाटाइल सॉल्वेंट।
डिक्रीज द स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन एज सम ऑफ द सरफेस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज। मतलब जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, तो देखें ए और बी एक सॉल्यूशन है, ए है आपका नॉन वोलेटाइल और बी है आपका वोलेटाइल। जब सॉल्यूशन बना तो इसकी स्केपिंग टेंडेंसी क्या हो गई, घट गई। क्यों घटी? क्योंकि सम ऑफ द सरफेस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने कुछ एरिया को क्या कर लिया, कवर कर लिया। आपने पानी लिया, पानी